विश्वास आता है, तब वो शिक्षा पूरी करते हुए गुरु समावर्तन समारोह में उनको नए कपड़े, रेशम के कपड़े दिए जाते थे, फूलों की माला पहनाई जाती थी, उसके पहले सुगंधी तेल देते हुए वो लगाते, वो नहाते थे और फिर ये सारा पहन कर आकर बैठते थे, इसीलिए वो स्नातक हो गए। इसका मतलब अभी वो जीवन में उपभोग ले सकते हैं, क्योंकि संयम के साथ उपभोग कैसे लेना ये इन्होंने सीख लिया। ये जीवन का आनंद भी लेंगे, लेकिन उनके उपभोग के कारण किसी का शोषण भी नहीं करेंगे, स्वयं को भी नष्ट नहीं करेंगे। इतना संयम इनको आ गया है, अभी वो जीवन का मार्ग तय कर सकते हैं, ऐसा जो था, इसीलिए ये समावर्तन समारोह होता था। और ऐसा नाम चुना तो बाद में मेरी प्रदीप जी से बात हुई, मुझे लगा सिर्फ नाम ही चुना है, लेकिन ऐसा नहीं है, यहाँ ऐसे प्रयास भी किए जाते हैं। काफी सारे प्रयास आपके प्राचार्य मुझे बता रहे थे और ये सुनकर बहुत अच्छा लगा। तो आपका जो महाविद्यालय है वो एक पथ प्रदर्शक है, उन्होंने समावर्तन में हम अपने भारतीय वेश में आ सकते हैं यह प्रतिष्ठित किया, और वो लेकर अभी शिक्षांत समारोह में सब कुछ सारी यूनिवर्सिटी में ऐसा हो रहा है। दूसरा कि यदि हम चाहते हैं, एक्चुअली युवा भी चाहते हैं, ये युवा हृदय की विशेषता है कि वो अच्छे चीजों के लिए झोंक देना चाहता है, लेकिन अच्छी चीजें उसके सामने नहीं है तो फिर जो भी सामने आकर्षक आता है उसमें वो खुद को झोंक देता है। लेकिन यदि अच्छे आदर्श उसके सामने खड़े किए जाते हैं तो वो खुद को झोंक कर कार्य कर सकता है, वो नियम से रह सकता है, वो जीवन में संयम धारण कर सकता है। इसके भी एक उदाहरण, इसका भी एक सफल प्रयोग आपका महाविद्यालय कर रहा है, इसीलिए मैंने इस कार्यक्रम में आने के लिए हाँ बोला। इसका मुझे बहुत आनंद हुआ, क्योंकि ऐसे सकारात्मक कार्य देश में जो हो रहा है वो देखना ये एक हमेशा आनंद का विषय होता है। अभी हमें जीवन में संयम क्यों चाहिए? एक तो स्वयं के विकास के लिए चाहिए, विकास हो गया, शरीर बलवंत हो गया, सब हो गया, अब तो मैं चाहे जैसा जीवन जी सकता हूँ, चाहे जैसे पैसे कमाने के पीछे दौड़ सकता हूँ, निसर्ग का शोषण कर सकता हूँ, समाज में शोषण कर सकता हूँ, क्यों मैंने ऐसा नहीं करना है? तो जैसा स्वामी विवेकानंद कहते हैं ना, ईच सोल इज पोटेंशियली डिवाइन, द गोल ऑफ लाइफ इज टू मैनिफेस्ट दैट डिविनिटी विद इन बाय कंट्रोलिंग द नेचर एक्सटर्नल एंड इंटरनल। हम सारे सिर्फ शरीर मन बुद्धि नहीं है, तो हम ऐसी चेतना है जो इस चराचर को व्याप्त करने वाली है, हमारा कोई मृत्यु नहीं है। जैसे हम कपड़े बदलते हैं हम शरीर को बदलते हैं, ऐसा जो मेरा, जिसके कारण मेरी बुद्धि कार्य करती है, मन कार्य करता है, शरीर चलता है, जिसके कारण मैं देख सकता हूं, वो क्या है? वो यदि चला जाता है तो ये शरीर कुछ नहीं करता है, वो क्या है? वो मैं हूं। और उसकी अनुभूति करना, यानी आत्मानुभूति करना, ये जीवन का लक्ष्य है। लेकिन ये लक्ष्य कैसे प्राप्त होगा? तो स्वामी विवेकानंद कहते हैं, बाय कंट्रोलिंग द नेचर एक्सटर्नल एंड इंटरनल। एक्सटर्नल यानी मेरा दूसरों के साथ व्यवहार कैसा है, चाहे वो व्यक्ति हो, पहचान के व्यक्ति हो, पहचान के व्यक्ति नहीं हो, चाहे वो वस्तुएं हो, चाहे वो निसर्ग हो, चाहे वो पशु हो, पौधे हो, मेरा हर एक के साथ व्यवहार कैसा है। और वो व्यवहार कैसा होना है? तो आत्मीयता का, हर चीज के साथ। दूसरा, मेरा कंट्रोलिंग द नेचर इंटरनल, मेरे स्वयं के विचारों की मालिका क्या है, मेरे संकल्प क्या है? यदि हम 5 मिनट बैठते हुए अपने सारे विचार मन में जो आ रहे हैं उसका अनुसरण करते, यानी उसका ऑब्जर्वेशन करते हैं, निरीक्षण करते हैं, और यदि हमारे विचारों में सारी तकरार है, उन्होंने ऐसा किया, उन्होंने ठीक नहीं किया, वो हमेशा ऐसे ही करती है, वो मुझे उल्टा ही बोलती है, ऐसा है, तो हम अपने जीवन को सुधार नहीं सकते। दूसरे क्या कर रहे हैं वो अपने हाथ में नहीं है, मैं क्या कर सकता हूं वो मेरे हाथ में। तो मेरे विचार क्या है कि मैं और अच्छी तरह से कार्य कर सकूं, इसके लिए मैं खुद के लिए क्या करूं,
मैं क्या स्वाध्याय करूं, मैं क्या शरीर को पक्का बनाऊं, मैं कैसे लोगों से बात करूं। स्वामी विवेकानंद कहते हैं ना, एवरीथिंग स्टार्ट्स विद योरसेल्फ, द ओनली फैक्टर दैट इज इन योर हैंड इज यू योरसेल्फ। हम स्वयं ही अपने हाथ में, उसको ठीक करते हैं तो पूरे दुनिया को भी ठीक कर सकते हैं। इसलिए बाय कंट्रोलिंग द नेचर एक्सटर्नल एंड इंटरनल, मेरे विचार कैसे है, मेरे संकल्प कैसे है, मेरे मन में जो चलता है वो मेरे विकास में बाधक होता है या विकास में सहायक होता है, क्या मैं ऐसा कहते हैं ना क्राइम बेबी हूं, जैसे बचपन में आपने या किसी के घर में वो गुड़िया देखी होगी, वो गुड़िया होती है ना वैसी खड़ी रहेगी तो ही रोएगी नहीं, थोड़ा ऐसा कीजिए क्या आवाज है, इधर कीजिए फिर से क्या आवाज आएगा, वो रोती ही रहेगी। क्या मेरा भी जीवन ऐसा है कि थोड़ा सा कुछ हो गया, ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है, क्या मैं रोने वाला हूँ? रोने वाला कभी परिस्थिति को बदल नहीं सकता है। अभी बहुत अच्छा गीत गाया आपके महाविद्यालय का गीत कि हम नया इतिहास रचे, कौन इतिहास रच सकता है, जो आज ऐसा है समाज में ऐसा है, सब बेकार है, सब बिगड़ रहा है, ऐसा रोने वाला इतिहास नहीं रच सकता है। ये ऐसा है इसके बावजूद भी हम क्या करके बदलाव लाएंगे, ऐसा सोचने वाला इतिहास रच सकता है। तो मेरे विचार ये कंट्रोल